आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर यूपी के बलिया जनपद के जिला चिकित्सालय में निरीक्षण से स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप, कई अधिकारी और कर्मचारी नाराज मिले। जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लचकार ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान वहां 5 CMO सहित 21 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। जिलाधिकारी ने सभी गैर हाजिर कर्मियों का स्पष्टीकरण तलब किया और CMO को सुधार लाने की चेतावनी दी गई, फटकार लगाई। CMO कार्यालय पहुंचते ही गैलरी में 15 से 20 की संख्या में लोग थे, जो जिलाधिकारी को देखकर इधर उधर भागने लगे। इस पर जिलाधिकारी CMO को निर्देशित दिया कि कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारी का पहचान पत्र जारी करें। सभी कर्मचारी पहचान पत्र लेकर कार्यालय में रहे ताकि आम नागरिक व कर्मचारियों की पहचान हो सके। निरीक्षण के दौरान लेखा अनुभाग में PSC चेतावनी के वरिष्ठ सहायक भूपेश द्विवेदी के आने का कारण पूछा गया तो महंगाई भत्ते के भुगतान में देरी करने की बात सामने आई है। इस पर जिलाधिकारी नाराजगी जताई और CMO को इस आशय का स्पष्टीकरण मांगा कि इस विलंब के लिए उत्तरदायी कौन है। पेंशन पत्रालयों की जांच की तो पटल सहायक सुदामा प्रसाद ने बताया कि पेंशन प्रपत्र पर CMO हस्ताक्षर के बिना ट्रेजरी में भुगतान के लिए भेजा जाता है। इस पर सवाल करते हुए कहा कि अगर प्रक्रिया सही नहीं है तो इसके लिए जिम्मेदार कर्मी को उत्तरदायित्व तो निर्धारित करते हुए कार्रवाई करें। राज्य कर विभाग में व्याप्त गंदगी पर बिफरे जिलाधिकारी ने राज्य सरकार विभाग का भी औचक निरीक्षण किया। इस दौरान वहां भारी गंदगी मिलने पर पत्रालियों भूलेख जमा जैसी स्थिति मिलने पर नाराजगी जताई। चेतावनी देते हुए कहा कि 2 दिन के अंदर कार्यालय की साफ सफाई कर अवगत कराए। निरीक्षण के दौरान व्यापारी ने नोटिस जारी करने के संबंध में शिकायत की, जिसके बारे में उपायुक्त ने जानकारी ली। उन्होंने व्यापारी से कहा अगर कार्यालय में कोई भी किसी प्रकार की अवैध धनराशि की मांग करता है तो मुझे सीधे जानकारी दें। संवाददाता कंचन सिंह की खास रिपोर्ट। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी, बने रहिए हमारे साथ छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगे इजाजत, नमस्कार।